ये आपकी पत्नी की पहली पत्नी की बहन है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। हाँ? अनु कुमारी। अच्छा, शादी आप इनसे कर लिए? हाँ, कर लिए। अपनी मर्जी से किए? हाँ, अपनी मर्जी से किए। हाँ। तो आपको पहले पता था कि पहले आपके बहन से जब ये शादी शुदा लाइफ में थे तो काहे शादी कर लिए एक महीना पहले? अब क्या चाहती है आप? हमको जो चाहेंगे उसको हटाएगा, हम रहेंगे। उसको हटाएगा तब। तो बहन का घर उजाड़ के आपने शादी कर लिया? ओ, बहन आचरण लगाएगी तो बहुत अच्छा ना। बताइए, मम्मी पापा की गाड़ी आएगी तो बहुत अच्छा। चलिए कि साली जो उनकी है यानी उनकी दूसरी पत्नी और आपकी बहन वो सामने है ना, आपकी सौतना बन गई है, वो सामने दिखा दीजिए पहले भीड़ को। और वहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बातें करेंगे लेकिन पहले इनसे बातें करेंगे कि इनकी कब शादी हुई, आपकी शादी किस लड़के से हुई है, लड़के का नाम क्या है? अकबर कुमार। हाँ, अकबर कुमार। कहाँ घर है उनका? नथुपुर जी, नथुपुर। तो उनसे शादी आपके मम्मी और पापा की मर्जी से हुई थी ना? हाँ, आप लोग कराए थे ना? मम्मी पापा की मर्जी से। उनकी माता है ना? हाँ। आपकी शादी जो हुई आपके पति से तो आप लोग खुश थे? हाँ, हम लोग खुश थे। मतलब मारवो पेट पर करता था, जैसे गांव घर के बाप भाई रहता ना। हाँ। तो उसको कहता था कि यार है भतार है। अच्छा। गेट के बाहर ना होवे देता था। अच्छा। अब पूरा गाड़ी देता था गंदा गंदा, उसको लगा के बापो भाई के लगा के गाड़ी देता था। तो आपके पति जो है अभी दूसरी शादी कर लिए, किससे कर लिए हैं? फुफेरी बहन था। आपकी फुफेरी बहन? हाँ, हमको फुफेरी बहन। वो कब किए आपसे शादी? 7 महीना पहले किए उनसे? एक महीना पहले। अच्छा, एक महीना पहले। अब क्या चाहती है आप? हमको जो चाहेंगे उसको हटाएगा, हम रहेंगे। हाँ? उसको हटाएगा तब रहेंगे। अच्छा, वो आपको क्यों मारते पीटते थे और क्यों कहते थे किसे, मतलब ऐसा क्यों करते थे आपके साथ? मारता पीटता नहीं, ऐसा मतलब कि गाड़ी उड़ी देता था, बोलता था कि गेट के बाहर मत हो, इस तरह यार हो बतारो, मतलब हमेशा शक की नजर से क्यों देते? वो अपना ही ना, हमारा ही ना, मतलब नहीं में बोलता था। वो तो कह रहे हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात करते थे, सही? नहीं नहीं, सब झूठ बात है, एकदम झूठा लड़का ना है। फोटो दिखा रहे हैं? हाँ, नहीं, वो पापा भाई का फोटो ले लेता है, वो मेरा वो भतीजा है, भतीजा का फोटो लेकर के वो गंदा लड़का ऐसा करता है। फोटो मतलब गाँव घर के रहता है ना, कितना लड़का ऐसा जाता रहता है भाई। ये महिला कहीं ना कहीं समझ लीजिए इस तरह से प्रताड़ित की गई हुई है कि इनके पति जो इन्हीं के बहन फुफेरी बहन से जो है शादी कर लिया है और ये मामला सामने से निकल के आ रहा है। सर, सभी मैटर को सुनेंगे और देखेंगे भी। सामने जो है इनकी फुफेरी बहन और इनके पति जो है वहां पे हैं, वो भी बयान आपको सुनाने वाले हैं। जाएंगे उनसे भी पूछेंगे, उनसे क्या कुछ पूछेंगे ताकि बस सच्चाई जो है कैमरे पर रिकॉर्ड हो सके। आपको क्या लगता है वो उनसे कैसे प्यार हो गया? अब जैसे खाली मेला घुमावे ला, देखिए सर मतलब बात नहीं समझ रहे हैं, साली है। हाँ। तो साली है, मेरा भगनी हुआ तो हमको दमाद का सालिया ना हुआ, तो वो बोल रहे हैं ना कौची कि से मतलब 5 दिन हमको ऑपरेशन में रहे हैं, 5 दिन के बाद ननद बोले ना कि चला पहुना निहाय, वो निहावे ले गए वो अपना ही। अच्छा, हमर नान साली को ले गया नहलाने के लिए? नहीं, हमर दामाद निहाय गेलवा, हमर ननद ही साली के घर, ननद ही निहाय गेलवा ना, तो माने ओकर फुफुआ सास होलै ताकि निहाय ला पहुना कहते थे कि अपने बात हम दिया के बातें है तो जा करके निहाय ला, निहाय गेलवा ना ओकर बेटी से का बोल लवा, चल लवा भगवान जानवा मेला में जा करके शादी कर ले। कैसे शादी मतलब कैसे वो अफेयर में पड़ गए? लव आपके बहन से फुफेरी बहन से प्यार कैसे हुआ आपके? जैसे मतलब 3 दिन हमको 5 दिन हमको भी जुड़ा है, 3 दिन के बाद चल गया फुफेरी बहन ही है। हाँ। उहे में शादी कर रहा है मेला में जाकर। अच्छा, मेला कुछ था वो मिलने गई साली से, वही शादी कर? हाँ, हुआ गया था शादी करने। तो ये कुछ मैटर है, अब बताइए कि 7 महीना शादी के हुआ है और पति जो है इस तरीके से जो है, देखिए शादी का कार्ड भी लिए हुए हैं, अच्छी बात है, ये सबूत रूपी चीज लिए हुए हैं, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वो हम समझ रहे हैं जब आप बता रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल, ये हिंदू रीति रिवाज से शादी ब्याह की है, ये सारा प्रमाण दिखा रही है। लेकिन क्या कहेंगे आप कि 7 महीना शादी के हुआ ही था और समझ लीजिए फिर एक शादी कर लेती है, वो भी इन्हीं के फुफेरी बहन से। आइए हम चल करके उनसे बातें करते हैं और सीधी बात करके बताते हैं। आइए आइए आइए, तो यही लड़का है, सामने देख सकते होंगे, आपने देखा, यही दूसरी जो है वो उस लड़की की जो है बहन है, फुफेरी बहन है, और ये पति है उनके, है ना? ये पति इनकी साली, साली से शादी कर लिए महाराज आप? साली से किए थे नहीं, गए इसको दशहरा में मेला घुमाने गए ना। हाँ। तो दम पूरा थी, इसको बोला ना कि पूरा बल्लाम लगाने लगा। हाँ। पूरा दम अचलंग लगाने लगा कि तू गया है मेला घुमाने तो सुता है 2 दिन ऐसे वैसे। हाँ। बोला है वो लड़की, अजय मैं देखो नहीं कि अजय मैं अचलंग बदलाम लगा दिया, वो लड़की बोलता है कि हम नहीं रहेंगे तोरा कन, रे झोला हवा करिया। क्या नाम है पहले आपका? नाम है अकबर कुमार। अकबर कुमार जी, तो बताइए आपको शादी हुए मात्र 7 ही महीना हुआ था, तो शादी के 7 महीने बाद फिर से शादी कर लिए? 7-8-9 महीना 10 महीना हो रहा था। अच्छा, 10 महीना के बाद कोई रूल है कि 10 महीने के बाद दूसरी शादी भी किया जाता है? शौक था सर,
कोई के शौक था कि दूसरा शादी करे, वो शादी हुआ एक को चारों दिन नहीं रहा घर, बार बार नहीं हर, बार बार नहीं हर। ये आपकी पत्नी की पहली पत्नी की बहन है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? अनु कुमारी। हाँ? अनु कुमारी। अच्छा, शादी आप इनसे कर लिए? हाँ, कर लिए। अपनी मर्जी से किए? हाँ, अपनी मर्जी से किए। हाँ। तो आपको पहले पता था कि पहले आपके बहन से जब ये शादी शुदा लाइफ में थे तो काहे शादी कर लिए? गए थे दो दिन मेला घूमने ना, तो अचरंग लगा दिया ना कि जो लड़की से बात लिया गया मेला घूमेला ना, ओकरे से तू शादी कर ले तो रखन हम ना जेब ना रह तो रखा। अच्छा जी। यानी आप शादी करने मतलब ये मेला घूमने गए तो वो आप पर एक तरह का आपके आचरण पर जो है सवाल उठाने लगे कि फंस गए ऐसे वैसे कुछ है ना? हाँ, पूरा दम बोलने लगे दम। इसको सिद्ध करने के लिए आप शादी कर लिए? तो रहबे नहीं करता है कि तू जो लड़का से मेला घूमने गए ना जीजा जो रहे ओकरे से तू कर ले, जो लड़का से हम बात करो अपना ओकरे से हम कर ले। उससे पहले आप प्यार वार करती थी? नहीं नहीं नहीं। मेला क्यों घूमने गई थी? ये मेरा साली लगा था, हम बुलाए। हाँ। वो औरत के बोले ना कि चलो घरे, जब ऑपरेशन कराए ना तो चलो हम घरे हम रखेंगे, एगो बहनी के भेज दो वो देखभाल करेगा। वो लड़की बोला है कि हम ना जेबू तोरा कन, जे तोरा कन ना देखभाल कर तो कोई ऐसे वैसे। अच्छा बताइए, आप पहली पत्नी रहते हुए आप तो उनको छोड़ दिए रोड पर, अब क्या करेंगी? है? क्या करेंगी? अब क्या करेंगे जीवन यहाँ पर? वो बोलता है कि हम तोरा कन नहीं रहेंगे। हाँ। वो कह रही है, अभी कैमरा में बोली है कि वो रहेंगे आपके नजदीक। रहेगा? बिल्कुल रहेंगे। रहेगा तो रखे दोनों। हाँ? को हम रखेंगे, दोनों को रखेंगे। हाँ, रखेंगे। हाँ? आपकी शादी कैसे हुई थी? पहली शादी कैसे हुई थी? पहले शादी कैसे हुआ था, मतलब कैसे, जैसे आप किए हैं वैसे ही प्रेम के प्रेम से किए या फिर हिंदू रीति रिवाज से हुआ? हाँ, बराती जाके हुआ। बराती लेके गए थे, इतना खुशी धमाल मजा में पलाही। देखिए सर, हम पलाही हम दिखा दें, देखे शादी पलाही मिल गए थे कि हम बोले कि लड़का पसंद है कि नहीं, तो बोली कि पसंद है, और फिर बाद में शादी हो गया तो बोलती है कि अब पसंद नहीं है, ऐसे उसे बोलता है। अच्छा बताइए, पहली बहन आपकी घर में जब थी तो बहन का घर उजाड़ के आपने शादी कर लिया? ओ, बहन अचरण लगाएगी तो बहुत अच्छा ना, मम्मी पापा के गाड़ी आएगी तो बहुत अच्छा। कल को कोई दूसरा आचरण लगा देगा इन पर कि तिसरी के साथ फिट है तो लड़की दिएगा? हम कहेंगे कि ऐसा है होगा ना? हाँ। ये तो मैं किसी से अगर मान के चली किसी काम के लिए बतिया लेंगी तो आप तो हो गया। चाहिए माँ पहली पत्नी छोड़ सकती है, आपके बहन को छोड़ सकती है, क्या गारंटी है नहीं छोड़ सकती है? हो नहीं सकता सर। एक मिनट रुक जाइए, बोलिए छोड़ेगी कैसे? जैसे हाँ? छोड़ दिया आपके बहन हाँ? को वैसे तो ये हो ही नहीं सकता कि छोड़ दिया। दूसरा से बात करेगी तो ना उस आधा घंटा दूसरे। अरे भाई, बारात लेके गए थे ना ये? हाँ, बारात लेके गए थे। आपसे तो लव मैरिज ना किए हैं? बारात वाला तो अच्छा शादी होता है ना? अच्छा तो लव मैरिज में नहीं देखते हैं आइंदा की शादी के 6 महीना बाद या साल भर बाद लड़की के साथ क्या होता है? अब क्या होगा लड़की का? क्या होगा? रहने के लिए चाहते हैं तो रहेगा हमारे पास। हाँ, रखिए रखिएगा। हाँ। क्या करते हैं, कितना कमाते हैं? है? एक ठो पेट नहीं पलता है, एक पत्नी किसी से नहीं संभालता, आप दो दो कैसे रखिएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, काहे ना? कानून जानते हैं, संविधान में दो दो शादियां करना नहीं है। सो कोची कानून ने? कानून जानते हैं, पढ़े जब उराहवे करता सर तो हमको शौक था कि दूसरा शादी कर लें। उराहवे कर देखिए, ये सब मामला है और मामला निकल के आ रहा है। ये पहली शादी करने के बाद 7 महीना के बाद ही अपने पत्नी के फुफेड़ी बहन से शादी कर लिए हैं और कह रहे हैं दोनों को रखेंगे। देख रहे हैं दिन दुनिया कैसे चलता है लोगों का, एक पत्नी के साथ दो बच्चे के साथ किस तरह से कठिनाई भरी जीवन में व्यापन किया जाता है, लेकिन फिर भी भाई साहब जो है एकदम फुल जोश में है। बाकी इनके बारे में क्या आपका प्रतिक्रियाएं बनती है, क्या कुछ इनके लिए जो प्रावधान निकल के आता है न्यायिक प्रावधान कीजिए आप लोग, है ना, और इनके साथ भी और उस महिला के साथ भी न्याय व्यवहार कीजिए। बाकी इन सारी चीज़ों पर क्या प्रतिक्रियाएं बनती है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।